हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में। आज हम देखने वाले हैं 25x50 में डुप्लेक्स 2 BHK किस तरह से बनेगा जिसमें दो तरफ रोड है। अगर आपका प्लॉट इस साइज का है तो आप कुछ इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन से। ये जो है हमारा फ्रंट है, अब हम इस फ्रंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा फ्रंट है ये यहाँ से रोड गई हुई है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, बेहतर तरीके से आपको समझ में आए इसके कारण इसको थोड़ा सा जो है हाईलाइट करते हुए दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए ये हो गया हमारे पास रोड। रोड से हम जैसे जाते हैं तो ये जो है हमारे पास, मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। यहाँ से हमारी एक एंट्री हो गई, घर में प्रवेश हम करेंगे। सेकेंड जो है हमारे पास, यहाँ पर पूरा स्पेस मिलता है जहाँ पर पार्किंग भी आप कर सकते हैं। बाकी जो कार वगैरह है ये बाहर पार्किंग होगी, अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। कार वगैरह अगर आपको चाहिए तो यहाँ से एक गेट ओपन करके फिर आपको साइड में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आप इंजीनियर है अगर तो। बाहर जो हमारे पास बरांडा है वो है 7 फिट 3 इंच का, ये हमारे पास हो जाता है बरांडा। देखिए कलर थोड़ा चेंज होते रहेगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमारी पूरी वॉल, सामने विंडो आ जाती है। जैसे हम अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है एक हॉल। हॉल का साइज है 18 फिट 6 इंच बाय 10 फिट का। मैं यहाँ पर हर एक चीज आपको बताऊंगा। यहाँ पर 18 6 बाय 10 यहाँ पर आपके फर्नीचर वगैरह के सेटअप हो गए। टीवी यूनिट सामने आ गई। और आगे बढ़ते हैं आप तो देखेंगे आपको इस पोर्शन में जो आपका अगला हिस्सा है यहाँ पर मिलेगा आपको। मैं पूरी प्लानिंग भी आपको दिखा दूंगा बाद में, आप स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको डाइनिंग मिलेगा। डाइनिंग का जो स्पेस है वो है 12 फिट बाय 15 फिट का। यहाँ पर आपकी डाइनिंग हो जाती है, ये आपका टेबल आ जाएगा डाइनिंग। यहाँ से आपकी सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाएगी फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ से आपकी सीढ़ियाँ जो है वो फर्स्ट फ्लोर के लिए अप हो गई समझ लीजिए, और वो ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर आपका किचन आ जाता है। किचन जो है आपका 6 फिट बाय 11 फिट 7 इंच का है आपका किचन। यहाँ पर विंडो आ जाएगी, यहाँ पर आपका किचन स्टैंड आ जाएगा। यहाँ से एक आपका डोर रहेगा और एक यहाँ से रहेगा, ये ओपन रहेगा। यहाँ से आपने 3 फिट वाइड पैसेज लिए, 3 फिट वाइड पैसेज हो गया आपका। यहाँ पर वॉश एरिया आ गया आपका, जहाँ पर आप यूटिलिटी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 फिट 3 इंच का जो है वो पैसेज छोड़ा गया है, जिससे यहाँ पर आपका वॉशिंग एरिया वगैरह आ जाए, आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो आसानी से हो पाए। चलिए बात करेंगे पिछले हिस्से की। तो यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको फर्स्ट बेडरूम मिलता है। फर्स्ट बेडरूम है 9x14 का। यहाँ पर आप बात करेंगे सेकंड बेडरूम की, ये है आपका 9x14 का। दो बेडरूम आपके क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टॉयलेट आ जाता है 4 फिट 3 इंच बाय 7 फिट का, जो कि अटैच है आपके बेडरूम से। इस तरीके से दो बेडरूम आपका यहाँ पर फर्नीचर सेटअप हो गया। यहाँ पर आपके बाकी जो AC वगैरह, यहाँ पर आपका बेड आ गया, ये आप थोड़ा सा हाईलाइट में कर रहा हूँ, इससे देख सकते हैं। ये हो गया। अब ये जो टॉयलेट है हमारा, एक जनरल टॉयलेट है 4 फिट 3 बाय 6 फिट 7 इंच का, जो कि बाहर की तरफ दिया गया है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब क्लाइंट जो है वो जैसी रिक्वायरमेंट देते हैं उस हिसाब से यहाँ पर प्लानिंग तैयार की जाती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, या व्हाट्सअप का अबाउट सेक्शन में आप हमसे बात कर सकते हैं। अब मैं इसको पूरा बताऊं आपको, हर एक चीज़ इसकी डिटेल दूं, उससे पहले मैं एक चीज़ यहां पर आपको क्लियर कर दूं। ये जो साइज़ है यहां से लेकर यहां तक 20 फिट है। 20 फिट के बाद यहां पर कुछ जगह छोड़ी गई है, फिर 5 फिट है आपका अगला साइज़, यानी कि टोटल मिलाकर 25 फिट होता है। पीछे से यहाँ पर 1.5 फिट छोड़ा गया है वेंटिलेशन के लिए। और ये जो प्लॉट साइज़ है ये है 50 फिट का, ये 50 फिट हो जाता है आपका। पीछे से छोड़ा गया है, इधर से छोड़ा गया है, इस हिसाब से आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है। अब प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर आप पूरी प्लानिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं भी आपको एक बार डिटेल में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, या फिर बता देता हूँ आप इसे कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं फिर से आपको बताता हूँ, सामने का स्पेस छोड़ा गया है, आप देखेंगे सामने का स्पेस आपको यहाँ पर छूटा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपका हॉल आ जाता है पूरा, यहाँ पर बैठक उठक हो जाएगी, यहाँ से सीढ़ियाँ आपकी ऊपर जाएगी, डाइनिंग हो जाएगा, यहाँ से वॉश से बाहर आएंगे, किचन है ये आपका यहाँ पर। उसके बाद पीछे आपका एक बेडरूम, दूसरा बेडरूम, यहाँ पर टॉयलेट एक अटैच है और एक अलग से है। यहाँ से 50 फिट है आपका, दूसरा यहाँ पर 20 और 5 25
25 फिट ऐसा हो जाता है आपका, और पीछे आपका टोटल ये 25 फिट हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं अगर आपका घर है तो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।